हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो भाई जिम करके परेशान हो गए हैं उनका अक्सर ये कमेंट आता है, एकदम भर भर के कमेंट आता है कि भाई मैं 2-3 महीने हो गए, मुझे 6 महीने हो गए, मैं अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ और अच्छे से डाइट भी ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारी जो बॉडी है उसका साइज ग्रो नहीं हो रहा है और हमारी बॉडी बिल्कुल बन नहीं रही है। तो वो कौन सी रीज़न है जो कि हमारी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। वो कौन से वर्कआउट मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इन बातों को आपको ध्यान में रख के वर्कआउट करना है, जिससे कि आप वर्कआउट का 100% लाभ उठा सकते हैं, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो भी आपके बॉडी में अच्छे से लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हो और वीडियो को लाइक करते हो, लेकिन जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो। आज मैं आपको एक मैजिक बताने वाला हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, जो लाल कलर का बटन है वो ग्रे हो जाएगा, अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो जो वाइट बटन है वो ब्लू हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आपकी जो बॉडी है उसे तेज़ी से ग्रो करने के लिए जो हार्मोन की ज़रूरत होती है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये इंक्रीज कैसे होगा, बहुत से भाई का जो है कमेंट आता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसे तेज़ी से अपने बॉडी में इंक्रीज कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी जिम में वर्कआउट करें तो अब बहुत से भाई लोग जो है ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने जो लेग का वर्कआउट होता है उसे स्किप कर देते हैं। कुछ भाई जो है सिर्फ सैटरडे को ही करते हैं, कुछ भाई जो है वो भी मिस कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़रूरी आपके बॉडी का हर पार्ट का वर्कआउट उतना ही जरूरी आपकी लेग मसल का वर्कआउट करना है। अगर आप अपने लेग के वर्कआउट को नहीं करते हैं ना, तो आपके बॉडी में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ठीक से इंक्रीज नहीं होता है, जिससे आपकी बॉडी बहुत ही स्लो ग्रो होती है। अगर आपको तेजी से अपने बॉडी को ग्रो करना है तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 दिन लेग का वर्कआउट करना है। अगर आपको वर्कआउट प्लान की वीडियो चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान अच्छे से समझाया गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरी मिस्टेक है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। अक्सर भाइयों का जिम में मैं देखता हूं कि वो जब आते हैं थोड़ा बहुत वार्म अप करते हैं, उसके बाद जो है अपने एक्सरसाइज का सेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको एक्सरसाइज का 100% फायदा उठाना है तो आप जब भी वार्म अप कर लें उसके बाद जो भी आप जिस भी पार्ट की एक्सरसाइज करें उसका जो पहला सेट है उसमें आपको वेट को एकदम हल्का रखना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन निकालना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं अच्छे से फ्री हो जाएंगी और वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाएंगी, जिससे आपकी जो है मसल में कोई इंजरी भी नहीं होगी और आपके मसल में काफ़ी अच्छा पंप आएगा, जिससे आपकी मसल्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगी। जो आप लोग अगली मिस्टेक करते हो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब भी वर्कआउट करें आपकी जो बड़ी मसल्स हैं जैसे चेस्ट, बैक, लेग, इसमें आप जब वर्कआउट करें तो इसमें आपको जो वेट रखना है वो ज़्यादा हैवी रखना है और आपको रिपीटेशन कम से कम रखना है, जिससे कि आप 6 से 12 के बीच में रिपीटेशन रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपका वेट हैवी रहेगा और रिपीटेशन कम निकलेगा तो आपकी जो बड़ी मसल्स हैं अच्छे से पंप आएगा और आपकी बड़ी मसल्स जो हैं अच्छे से ग्रो होंगी। कुछ भाइयों को मैं देखता हूँ कि वो जो है अपने बाइसेप जो छोटी मसल्स हैं बच्चे बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, उस वो जो है बहुत ही ज़्यादा भारी वेट से वर्कआउट करते हैं, जिससे सोचते हैं कि उनकी मसल में बहुत ही अच्छे से पंप आएगा तो उनकी जो है मसल्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगी। ये बहुत ही बड़ा चूतियाफा है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जो है हैवी वेट से जो है वर्कआउट करते हैं अगर छोटी मसल्स के, तो आपकी जो मसल्स हैं वो लॉक हो जाती हैं, उनका साइज बिल्कुल नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनकी जो मसल्स हैं वो भी लॉस होने लगती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको जो है वेट हल्का रखना है और एक्सरसाइज को ठीक तरीके से करना है, आराम आराम करना है स्लो मोशन में, जिससे कि आपके मसल में बहुत ही अच्छा पंप आएगा और आपकी मसल बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगी। आप बड़ी मसल को जो है हैवी वेट से करना है, कम रिपीटेशन निकालना है, और छोटी मसल्स को जो है हल्का वेट रख के ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन निकालना है। अगर आप जो है इस नियम को आप 15 से 20 दिन तक अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छा चेंज आएगा। जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो वो ये है कि आप जब सुबह नाश्ता करते हैं उसमें तला भुना जरूर खाते हैं, नहीं तो कुछ भाई जो है फास्ट फूड खाते हैं, कुछ लोग जंक फूड खाते हैं, आपको ये सब बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अगर तेज़ी से बॉडी बनानी है ना, तो आपको जो है सुबह जो नाश्ता करना है उसमें आपको जो फूड लेना है वो हाई प्रोटीन के होने चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो आपकी मसल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रोटीन से ही मसल्स की ग्रोथ होती है। अगर आप नाश्ते में हाई प्रोटीन लेंगे तो आपकी जो प्रोटीन की लेवल है वो
वो अच्छे से बने रहेगी, जिससे आपकी मसल्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी। अगर आप जंक फूड लेंगे इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फालतू में फैट बढ़ जाएगा और आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हमारे जो नेक्स्ट मिस्टेक है उस पर आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपका जो बॉडी बनाने का सपना है उसे छोड़ दीजिए। कुछ भाई कमेंट करते हैं कि मैं बहुत ही अच्छी डाइट ले रहा हूँ लेकिन फिर भी हमारी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, जिसमें आपको करना क्या है कि आपका जो डाइजेशन है उसे इम्प्रूव करना होगा, जिससे आप कुछ भी खाए पिए, जो भी प्रोटीन वगैरह खाए पिए वो अच्छे से पचे, तभी आपकी बॉडी में अच्छे से लगेगा। जो मसल्स आप वर्कआउट टाइम तोड़े हैं, अगर जब प्रोटीन आप लेंगे अच्छे से आपके बॉडी में प्रोटीन मिलेगा तो वहीं से आपकी मसल की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है, जिससे आपकी बॉडी बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे टिप्स अच्छे से पसंद आए होंगे। अगर आपको जो है डाइजेशन किस तरह इम्प्रूव किया जाता है इस पर अगर वीडियो चाहिए है तो कमेंट ज़रूर करना है, अगला वीडियो इसी पे बनेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। जय हिंद।